Yo, yo, it's your boy Johanny Singh, and I'm talking to Pune Dahis. Mirror, keep it locked. मुझे दिल्ली के बाद वाइल्ड लोग पुणे में दिखते हैं, पुणे के बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद कलकत्ता, कलकत्ता के बाद बेंगलोर। ये चार पांच जगह ऐसी हैं कि लोग बहुत फायर हैं और लोग पागलों की तरह इंजॉय करते हैं। तो इट वॉज फन, इट वॉज अमेजिंग, बेस्ट सोल्ड आउट शो रहा है और सबको बहुत मज़ा आया। तो सर, आप ऐसे एक इंसान हो और आप एक ऐसा आर्टिस्ट हो जिनने कई सारे आर्टिस्ट के लिए एक जगह बनाई, एक नया रास्ता बनाया है, और 9-10 साल में पिछले जो भी नए आर्टिस्ट आए हमेशा आपके बारे में बात करते रहते हैं, टेकिंग यू एज एन इंस्पिरेशन कि हनी पाजी ने जो तभी किया था उसकी वजह से हमको एक रास्ता मिला है। तो कैसे लगता है आप बोलते हो, और अभी एक 8-9 सालों में म्यूज़िक कैसे चेंज हो गया और इवॉल्व कैसे हो गया आपके हिसाब से? बहुत बेहतर म्यूज़िक आया है अभी, और मैं तकरीबन 7-8 साल से गायब था और बीमार था और घर पे था, और धीरे धीरे कोशिश कर रहा था 2017 से वापस आने की, जिसमें थोड़ा स्ट्रगल लग रहा था। गाने मेरे आए, मखणा आया, सैया जी आया, लेकिन उसमें थोड़ा हैवी था, तो लोग जो मेरे फैंस हैं मुझे फिट देखना चाहते हैं और अलग वैसा ही देखना चाहते हैं जैसे पहले था, तो बहुत मुश्किल लगी, लेकिन पूरी कोशिश करी मैंने और वापस थोड़ा सा बेहतर लुक में अभी दिख पा रहा हूँ, लोग जैसा कह रहे हैं तो बढ़िया था। और इस दौरान जो म्यूज़िक आया बहुत कमाल आया, इस काफ़ी सारे आर्टिस्ट म्यूज़िक इंडस्ट्री को मिले इस दौरान, और वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट इन सिंगिंग एंड मेलोडीज इफ यू सी इज़ गुरु रंधावा, एंड वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट इन रैप म्यूजिक सीन वो टुक इट टू अ वेरी नेक्स्ट लेवल ऑफ कमर्शियल कंटेम्प्रेरी hardcore rap scene with a blend of humor which is very tough to do. To diss you is very easy. I can F you any day, but I never dissed in my life to anybody. So I can F you and make a space by F-ing somebody who is doing something and make my place is very easy. But to entertain everybody is very tough. So the guy who made this thing in these years is MMA Bantai. I'm his big fan. He's superb, he's amazing, his energy, his vocab, his writing, his humor, everything is fantastic, and he got amazing future because he can do anything. He can tell his story, he can tell your story, he can tell my story, he can entertain you. So MEVA ke paas bahut kuch hai karne ko, aur wo bahut kuch karega bhi. He's like younger brother to me. Meri baat hoti hai usse, aur bahut pyar karta hai, mujhe bahut izzat deta hai. मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एमबीए बंटाई मोर म्यूजिक, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिज कमर्शियल म्यूजिक, एंड आई वांट एंड आई विश दैट ही शुड कम टू बॉलीवुड म्यूजिक, ही शुड डू सम सॉन्ग्स विद बिगेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स इन बॉलीवुड, एंड ही कैन डू इट ओनली, एंड आई एम विशिंग हिम फॉर दिस ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एमबीए बंटाई एंड रेस्ट ऑफ द बॉयज एज़ वेल। So in coming years, maybe we can see a collab between you and... Definitely. Right now, I'm working on my album. It's Honey 3.0. It's gonna come in March. And it's a solo album. Before this, I was doing a collective writing with Homie, Lil Golu and Lil Faz. But this time, I wrote the whole album. I made 43 songs. Before, it was 38. Now, I made some more as well. So it's 44, 45 songs. Out of that, we've selected 10 songs. So we're gonna make all the videos of it. All the videos gonna come. And after that, I'm doing collaborations. So later in 2023, definitely collaborations gonna come. My dream collaboration gonna come with one and only ek insaan, jiski wajah se maine thoda bahut rap karna sikha. Aur maine television pe jab wo pehli baar gana suna, to mera dimag kharab ho gaya ki ye kya music hai aur ye aadmi kya kar raha hai aur iske naam ke aage Indian kyon laga hua hai. ये क्या एक्सेंट है और ये बीच में पंजाबी में क्यों गा रहा है? उनका नाम है अपाची इंडियन सर। तो उनका जब मैंने गाना सुना अरेंज मैरिज, तो बचपन से ही मेरे को वो दिलो दिमाग पे वो कुछ असर छोड़ गया था। वो धीरे धीरे वो इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे मैं म्यूजिशियन बन गया। आज मैं अगर रैप कर रहा हूँ या थोड़ा सा भी रैप करता हूँ या मुझे थोड़ी सी भी रैप की समझ है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है अपाची इंडियन सर का। अपाची इंडियन सर के साथ मेरा गाना 2 साल से तैयार, मैं तैयार नहीं था इसलिए हम लोगों ने वीडियो नहीं किया। तो मेरी एल्बम आएगी इंटरनेशनल विलेजर कह रहा हूँ, हनी 3.0,
हनी 3.0 के बाद मैं कोलैबोरेशंस करूँगा, प्रॉब्ली शायद इंटरनेशनल विलेजर 2, जो एक कोलैबोरेटेड एल्बम थी इंटरनेशनल विलेजर, तो इंटरनेशनल विलेजर 2 में एम एम वे बंटा है, अपाची इंडियन, लॉट्स मोर यू कैन सी, प्रॉब्ली हो सकता है। लेकिन अपाची इंडियन सर का गाना रेडी है, तो एल्बम मेरी जैसे हनी 3.0 खत्म होगी उसके बाद हम अपाची सर वाला गाना शूट कर रहे हैं। लवली, वी आर वेरी एक्साइटेड सर। हम देख रहे हैं आप बहुत नए और यंग टैलेंट, नंकू, करुण, सबको आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनको। नॉट एवरी वन कैन डू दिस एंड यू आर गिविंग प्लेटफॉर्म टू ऑल दिस न्यू अंडररेटेड आर्टिस्ट। तो क्या है आपका यूथ के तरफ का ये प्यार, क्या है, क्या व्हाट मेक्स यू इन्वेस्ट एंड लाइक इन्वेस्ट योर एनर्जी इन सो मच यूथ राइट नाउ? जब देखो हर इंसान को आगे बढ़ाने के लिए उसके माँ बाप होते, उसके बाद कोई ना कोई ऐसा जरिया मिलता है, कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपका हाथ पकड़ता है। मेरा हाथ पकड़ा 2005 में अशोक मस्तीपा जी ने, उन्होंने मुझसे खड़के क्लासिक गवाया। 2 साल मेरे पास काम नहीं था, उसके बाद राज बराड पाजी थे, इस दुनिया में नहीं है, पंजाब के बहुत बड़े फोक सिंगर रहे, उनका गाना मैंने गाया था चंडीगढ़ दे नज़ारे ने पटिया, तो उसमें मैंने रैप किया था पंजाबी में पहली बार, वो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था। उसके बाद मुझे धीरे धीरे लोग मिलते गए, अक्षय पाजी ने मुझे मेरा हाथ पकड़ के बॉलीवुड में मुझे खींचा, उसके बाद शाहरुख भाई ने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उसके बाद बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन द लेजेंड, उनके साथ मुझे खड़ा होने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि मेरे को भी किसी का हाथ पकड़ना चाहिए अगर आज मैं पकड़ सकता हूँ तो। बाकी जहाँ तक ननकू का सवाल है, ननकू मेरे दिल के बहुत करीब है, आर्टिस्ट बहुत बढ़िया है, वो मेरे गुरु जी का बेटा है, उद्भव आचार्य उसका नाम है, और अभिनव आचार्य जी मेरे गुरु जी हैं, जिनकी वजह से मैंने म्यूज़िक सीखा समझा, और उन्होंने मुझे म्यूज़िक में बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे पहली बार रोजा तमिल में सुनाई थी। आई वॉज जस्ट 9 or 10 year old, प्रॉब्ली 11 year old, जब मैंने रोजा तमिल में सुनी थी, एक पंजाबी लड़के को तमिल में एक कैसेट सुनाई गई जो मेरा दिमाग ख़राब कर गई, कि मैंने कहा ये क्या म्यूज़िक अंकल, कहते बेटा ये म्यूज़िक है और ये फ्यूचर है, ये लड़का है छोटी सी उम्र का, इसका नाम AR रहमान है। तो AR रहमान सर का म्यूज़िक मैंने तब सुना, अपाची इंडियन सर का म्यूज़िक तब सुना, तो ये लोगों ने मेरे दिलो दिमाग पे असर छोड़ा। और ननकू अंकल ने मुझे, अभिनव अंकल ने मुझे रोहिणी में, दिल्ली में, घर वाले म्यूज़िक नहीं करने दे रहे थे, थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था, खड़के क्लासी मेरा गाना हिट हो गया था, उसके बावजूद भी स्ट्रगल चल रहा था, तो रोहिणी में दिल्ली में एक फ्लैट दिया था अंकल ने मुझे कि तुम बेटा यहाँ म्यूज़िक कर लो, तो मैं वहाँ म्यूज़िक करता था। ननकू स्कूल के बाद मेरे पास आके बैठ जाता था, तो ये उल्लू का पट्टा मेरे पास बैठा हुआ छोटा सा लड़का आज म्यूज़िक बनाना कैसे सीख गया मुझे समझ में नहीं आई। तो ये तीसरी दुनिया करके इनका नाम था, इनका गैंग था, उससे म्यूज़िक करते थे, तो मैंने कहा यार, तो मेरे को होमी ने सुनाया, होमी कहता आपको पता है ननकू क्या कर रहा है, मैंने क्या कर रहा है, उन्होंने मुझे गाने सुनाए, कहता लोग पागल हैं इसके लिए तीसरी दुनिया के लिए, तो मैंने इनको बुलाओ, फिर इनको बुलाया, मैं कहा तुमने जो अंडरग्राउंड करना था तुमने कर लिया, अब मेन स्ट्रीम का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, तरीका थोड़ा अलग है, साथ बैठो, मैं सिखा नहीं सकता हूँ कुछ क्योंकि मैं अभी खुद सीख रहा हूँ, मैं शेयर कर सकता, तो मैंने इनसे शेयर करना शुरू करा, इनके सामने लिखनी शुरू करी अपनी पूरी एल्बम, 45 गाने मैंने इनके सामने लिखे, तो इनको भी समझ में आया कि कमर्शियल राइटिंग ये है, कमर्शियल म्यूजिक ये है। फिर इसने क्रेजी बनाया, क्रेजी इसका पहले का बना हुआ गाना था, इसे थोड़ा एडिट किया, उसको रिलीज़ किया। करुण ने चांद अभी हमने रिलीज़ किया 2 दिन पहले, तो करुण ने वो किया, इनके साथ के बहुत सारे गाने आ रहे हैं। होमी बहुत अच्छा म्यूज़िक कर रहा है, और होमी का एक गाना हम लोग शूट कर रहे हैं जनवरी में, गाने का नाम है ड्रिंक, बहुत क्रेजी सॉन्ग लिखा है उसने, और मेरा भी रैप है उसमें, बहुत कमर्शियल सॉन्ग है वो। तो यही कोशिश है मेरा भी, लोगों ने हाथ पकड़ा था, मैं भी किसी को हेल्प कर सकूं और तो बहुत बढ़िया। सब भूल जाते हैं, आप भूले नहीं किसी का हाथ पकड़ना, नहीं कभी नहीं भूलना चाहिए। तो सर आपने, यू हैव नेवर शील्डेड अवे योरसेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, यू हैव बीन ऑलवेज टॉकिंग एंड सीन टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, तो हाउ मच डू यू थिंक इट मैटर्स फॉर यू पब्लिक फिगर लाइक यू, जो इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है बात करना मेंटल हेल्थ के बारे में? आपने, आपके हिसाब से हमारे देश में अभी भी थोड़ा बहुत टबू माना जाता है मेंटल हेल्थ को, और उससे घबराते हैं लोग बात करने के लिए, तो वॉट इज़ योर टेक ऑन इट? भाई मेंटल हेल्थ के ना, ये बीमारी ऐसी है कि इसके ना बहुत सारे वेरिएशन हैं, ये मैं बताना चाहूँगा सारे मेरे छोटे बहन भाइयों को कि इसके बहुत सारे कलर्स हैं। एंग्जाइटी डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, वो एक सर्दी जुकाम है। मुझे कोविड हुआ था मेंटल हेल्थ का, जिसे साइकोटिक सिम्टम उस बायपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, बहुत डेंजरस चीज़ है, किसी को भी ना हो, मेरे दुश्मन को भी ना हो, ऐसी चीज़ है। आई प्रेड फॉर डेथ एवरी डे एवरी नाइट,
मुझसे, मैं लड़ नहीं पा रहा था उससे क्योंकि मैं अल्कोहलिक बन चुका था, वर्कोहलिक बन चुका था, पागल हो चुका था और स्मोक अप करता था। उस चीज़ ने, सारी चीज़ों ने एकदम फाड़ दिया मेरे दिमाग को। सोता नहीं था मैं, तो उस चीज़ ने फाड़ दिया मेरे दिमाग को। मुझे कभी एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं हुई। मैं जहाँ जाता था लोगों को हंसाता था, रोए लोगों को हंसाता था। मुझे वो बीमारी कैसे हुई मुझे समझ नहीं आया। मुझे वो समझने में ही बीमारी में 3 साल लगे, लड़ने में, डॉक्टर ढूंढने में 4 साल लगे। अभी 1 साल से मेरे नए डॉक्टर है, तब से एकदम सेट चल रहा हूँ मैं। कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे। तो मैं सारों को ये कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन एंग्जाइटी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत आराम से हैंडल हो जाती है। इसको मेंटल हेल्थ में मत ही काउंट करो तो बेटर है, इसकी बात कर लो, बट साइकेट्रिस्ट के पास मत जाओ अगर आपको सिर्फ एंग्जाइटी और डिप्रेशन है। साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, दोस्त के साथ बैठो, मम्मी के साथ बैठो, मम्मी को बताओ मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं उदास रह रहा हूँ। दोस्त को बताओ मैं उदास रह रहा हूँ, वो कहेगा दारू पी ले। दारू नहीं पीनी दोस्त, दारू पियूंगे तो और ख़राब होगा, कुछ और कर, बात करो। वो चुट बात करो, वो चुटकुला सुनाएगा, गाना सुना देगा, ये सुना देगा, मेरा गाना सुना देगा कोई ह्यूमरस सा, तो उससे चीज़ वो हेल्प हो जाएगी। एंग्जाइटी हो रही है तो उससे खुद लड़ना पड़ेगा। एंग्जाइटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, एंग्जाइटी तो वही है जो बचपन में एग्जाम से पहले होती थी, वो छोटी सी चीज़ है। वो अब ज़्यादा बढ़ गई है, रेगुलर होती है, फ्रीक्वेंट होती है, तो उसका भी सॉल्यूशन बहुत है। तो डॉक्टर के पास मत जाओ, क्योंकि डॉक्टर आपको 1 घंटे का सेशन देगा, उसमें आपका खुद का सारा सीन इम्बैलेंस कर देगा। जो आप खुद न्यूट्रलाइज कर रहे हो अपने आप को पूरे दिन में 23 घंटे में, वो 1 घंटे का सेशन। मैं माँ बाप को कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए आप डॉक्टर्स के पास ना लेके जाएं। उससे अगर भगवान ना करे सीवियर मेंटल इश्यूज दिख रहे हैं कि साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी चीज़ें दिख रही हैं कि एकदम मूड स्विंग कर रहा है और कभी बात कुछ कर रहा है तो दूसरी बात का रिलेशन दूसरी बात से नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाओ। उसमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन डॉक्टर को भी थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर ढूंढने में साला 3-4 साल लग गए और ढंग के डॉक्टर नहीं मिले। और हर डॉक्टर ने मेरे पे बहुत सारी रिसर्च मार दी और दवाइयों की पूरी ट्रेल लगा दी। तो बेटर है कि खुद ही ठीक करो, एंग्जाइटी डिप्रेशन को खुद ठीक करो। बाकी भगवान ना करे खास खुदा ना खासा उससे कुछ बड़ी बीमारी होती है तो हमें DM करो, हम आपको बताएंगे वो कैसे ठीक। सर आप एक फीनिक्स के तरह, फीनिक्स जो पंछी होता है अपना एशेस में से फिर से आता है। तो देयर वाज अ टाइम इन योर लाइफ यू सेड यू वर स्ट्रगलिंग विद योर लाइफ, आपने बोला आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग ब्रदर, बट नाउ यू आर बैक अगेन एंड वी आर लविंग इट, आई हैव नेवर गॉन। तो कैसा लग रहा था तभी, अभी फिर से बैक आने के बाद, तभी व्हेन यू आर ऑन द पीक ऑफ योर करियर एंड फिर थोड़ा बैक सीट लेने के बाद अभी फिर से फ्रंट सीट पे आने के बाद कैसे लग रहा है? अभी फ्रंट सीट पे कहां है, अभी तो थोड़ी सी है, अभी थोड़ी सी जंग जा रही है। जंग अपने आप से है, किसी और से नहीं है, क्योंकि इतना कुछ की मैंने कुछ 40 गाने नहीं निकाले थे। मैंने अंग्रेजी बीट निकाला, ब्राउन रंग निकाला, पार्टी ऑनलाइन निकाला, ब्लू वाइज निकाला, 4 बोतल वोडका निकाला। मुझे 40 तीर मारने की जरूरत नहीं, मेरा एक ही तीर बहुत है। क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी मेरा एक ही तीर बहुत है। तो अभी मैं तीर थोड़े पत्थर से रगड़ रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। तीर मेरे पास तैयार है, निशाना पकता है, बस ये कि वो जाके लगे तो कोई हिला ना पाए। आज भी पुराने तीर को हिला नहीं पाया, उसके आसपास सबके तीर लगे, 40 से 400 तीर लगे हुए बाकी लोगों के, लेकिन यो निसी का तीर अभी भी गड़ा हुआ है। तो अभी जंग जा रही है कि जो अपने तीर बनाए हैं मैंने, ये तीर अपनी जगह पर लग जाए, उसकी कोशिश है। सारे फैंस को मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी एल्बम को सपोर्ट करें, बड़ी मेहनत से बनाई है और आई होप सबको पसंद आएगी। तो सर म्यूजिक इतना इवॉल्व हुआ है एंड इट इज़ इवॉल्विंग एवरी डे, देर आर सो मेनी एलिमेंट्स, लेयर्स कमिंग अप, जॉनर्स भी बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आ रहे हैं जॉनर्स में। तो यू हैव ऑलवेज बीन कॉल्ड एज अ रैप आर्टिस्ट, मे बी समटाइम्स एन R&B आर्टिस्ट, अ पॉप आर्टिस्ट मे बी, हाउ वुड यू लव टू जॉनर योर म्यूजिक, एक अगर एक जॉनर में अगर स्पेसिफाई करना हो तो व्हाट इट वुड बी? इसका जवाब ये है कि साउंड, लिरिक्स, मैंने सब कुछ गाया, मैंने ठेठ पंजाबी भी गाया, R&B गाया। जब मैं ब्लू आइज ब्राउन गा रहा था, वेस्टर्न मेलोडीज कोई नहीं गा रहा था, अब सब वेस्टर्न मेलोडीज गा रहे हैं।
मैं एल्बम में कुछ और चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, वो डिफरेंट चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, तो अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में कंपेयर कर भी नहीं सकता हूँ उस इंसान से, क्योंकि मैं 0.00% भी नहीं उस इंसान की, लेकिन एआर रहमान का म्यूज़िक एआर रहमान का म्यूज़िक है, एआर रहमान का जॉनर है, अपाची इंडियन का जॉनर अपाची इंडियन का जॉनर है, चमकीला का जॉनर चमकीला का जॉनर है। तो मैं ये जाना चाहता हूँ कि मुझे श्लोक हनी सिंह का जॉनर ही कहें, कोई R&B आर्टिस्ट ना कहे, रैपर ना कहे, सिंगर ना कहे, म्यूजिक डायरेक्टर ना कहे, लिरिसिस्ट ना कहे, हनी सिंह का म्यूजिक कहे, फिर उसको बाकी लोग फॉलो करें उस जॉनर को। तो मैं ऐसा एक जॉनर बनाना चाहता हूँ जिसके लिए अभी मेरी स्ट्रगल जा रही है कि लोग कहें यार ये तो वो कर रहा है जो हनी सिंह करता है, ये तो हनी सिंह का जॉनर है। ओके सर, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू, हाउ इज योर न्यू एल्बम हनी सिंह 3.0 जो है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ऑल द अदर म्यूजिक दैट यू हैव बीन मेकिंग ऑल दीज इयर्स, सो उससे कैसे डिफरेंट है, बिकॉज यू आर कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो देयर मस्ट बी लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। नहीं, उसमें डिफरेंट ज्यादा नहीं है। जब मैंने वो दोनों एल्बम बनाई थी, इंटरनेशनल विलेजर और देसी कलाकार, मैं बहुत खुश था। तो इस बार भी जो एल्बम बनाई मैं बहुत खुश हूँ अंदर से, मजे में हूँ पूरे टच वुड, और इसमें पुराना स्टाइल भी है मेरा, कुछ नई चीज़ें भी हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, और समय के साथ कुछ चीज़ें इम्प्रूव करी हैं मैंने। एल्बम में एक भी शराब का गाना नहीं है, एल्बम में कुछ भी डबल मीनिंग नहीं है, वो मैंने किया उस टाइम, लोग उसको ह्यूमरस ले रहे थे, मैंने किया, लोग फनी समझ रहे थे उसको। उसके बाद कुछ लोगों को वो डिस लगा कि ये फलानी कॉमेडी या फलाने सेक्स या फलानी लोगों के लिए गलत है, उनको बुरा लग रहा है, तो मैंने कहा ठीक है उनको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं करते। लेकिन जब मैं गायब हुआ तो सब ने वो करना शुरू कर दिया और सब इजी हो गया, ओ इट्स ओके सिंग व्हाटएवर यू वांट, सो सब ने गाया वो सब डबल मीनिंग और सब कुछ चला भी, ये हुआ वो हुआ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है एल्बम में, लेकिन बहुत डिफरेंट एल्बम होगी, आई एम वेरी मच श्योर आपको पसंद आएगी। Honey 3.0, keep it locked. Coming soon, 2023. I'm back, baby.